नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। और इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट। फिर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद हम कवर करेंगे काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट। और लास्ट में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग से। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। यानी कि ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति से बिलोंग करते हैं और जो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहते हैं। इसी में हम आगे पढ़ते हैं, दे कैन नेवर बी टेकन अवे ऑल्दो दे कैन समटाइम्स बी रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि ह्यूमन राइट्स कभी भी किसी से छीने नहीं जा सकते, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और वो कौन सी सिचुएशन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कोई लॉ ब्रेक करता है या फिर किसी नेशनल सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट में उसके ह्यूमन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो द बेसिक ह्यूमन राइट्स आर राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वेलिटी, रेस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट। सो देर आर सम डेफिनेशंस फ्रॉम डिफरेंट जूरिस्ट। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। यानी कि इसमें बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वह राइट्स जो लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी, डिग्निटी से बिलोंग करते हैं या उनसे रिलेट करते हैं, और ऐसे राइट जिनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड किए गए हैं, दिए गए हैं, और जो इंटरनेशनल कोवेनेंट में एम्बॉडीड हैं और जिनको इंडियन कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है। अब देखते हैं एक और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सुजैन मॉलर ऑकिन। ये बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स एज ए क्लेम टू समथिंग और क्रूशियल इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। अगली डेफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पुरोहित, ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक वैल्यूज विच अंडर लाए दैट ह्यूमन बींग्स बॉर्न इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। यानी कि डॉक्टर पुरोहित के हिसाब से ह्यूमन राइट्स वो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जन्म लेता है तो उसकी डिग्निटी और राइट्स इक्वल होने चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। वैसे तो हमने ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े देखे हैं, बहुत अलग अलग देखे हैं, पर हमने इस वीडियो में ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है पॉइंट वाइज। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो ह्यूमन राइट्स का ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करना। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, टू डेवलप इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि ह्यूमन राइट्स जो होता है किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, टू वैल्यू ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू रखना। दोस्तों, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में लोगों को दास प्रथा चलती थी, वहाँ पर खरीदा और बेचा जाता था। उस टाइम पर उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे, कोई डिग्निटी नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। इसीलिए ह्यूमन राइट्स आया ताकि कि वो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को मेंटेन कर सके। तो ये उसके मेन ऑब्जेक्ट थे। बात करते हैं अगले पॉइंट की, टू प्रमोट रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि उसकी रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को अप्रिसिएट करने के लिए। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, टू प्रमोट डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड फ्रेंडशिप अमॉन्ग पीपल एंड नेशंस। यानी कि ह्यूमन राइट्स का जो मेन पर्पस था सोशल जस्टिस को लेकर आना था। तो ये थे ह्यूमन राइट्स के मेन ऑब्जेक्ट्स जो हमने पॉइंट्स में बहुत ही सिंपल तरीके से कवर किए। अब चलते हैं हम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ। तो दोस्तों, जब बात आती है किसी भी लॉ के सोर्सेज की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कस्टम आता है, पर यहाँ पर हमने कस्टम से पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की है, क्योंकि जब UN के मेंबर्स से उनकी डिक्लेरेशन मांगी गई ह्यूमन राइट्स के ऊपर
तो अलग अलग मेंबर्स ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलग अलग चर्चा की और उन्होंने डिक्लरेशन में अपने अपने पॉइंट्स रखे। तो ह्यूमन राइट्स का जो मेन सोर्स था वो बना यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है इंटरनेशनल कोविनेंट या इंटरनेशनल ट्रीटीज़। उसके बाद आती है बात इंटरनेशनल कस्टम्स की, यानी कि अलग अलग लोकल कस्टम्स मिलकर इंटरनेशनल कस्टम्स बने जो कि ह्यूमन राइट्स के मेन सोर्सेज बने। फिर जुडिशल डिसीजंस, यानी कि ह्यूमन राइट्स पे किसी जज का डिसीजन जो होगा वो भी ह्यूमन राइट का सोर्स माना जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यूएन का कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है वो भी ह्यूमन राइट का मेन सोर्सेज माना जाएगा। अब बात आती है काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहला सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन राइट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, जिसको सेकंड जनरेशन राइट्स भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर बात आती है कलेक्टिव राइट्स की, जिसको हम थर्ड जनरेशन राइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से। राइट्स कंटेंड इन द कोविनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कम अंडर दिस कैटेगरी दैट सी देयर ओरिजिन इन द 13th सेंचुरी इन मैग्ना कार्टा। यानी कि इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में जो राइट्स रखे गए थे वो राइट्स इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका ओरिजिन 13th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा के टाइम पर हुआ था। और अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो एग्जांपल हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट एटसेट्रा। दोस्तों इन राइट्स को मैं जब जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करूँगा उस टाइम पर और अच्छे से बताऊँगा, अभी तो बस ये ओवरव्यू चल रहा है इसके बारे में, तो इनको हम और अच्छे से उस वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं सेकंड राइट यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल राइट की। दीज राइट्स रेफर टू द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स विच आर कंसिडर्ड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919। ये राइट्स यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स ओरिजिन हुए थे रशियन रेवोल्यूशन से, जो कि 1917 में आया था, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से, जो कि 1919 में आया था। और अगर इन राइट्स के एग्जांपल की बात करें तो रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि फूड क्लोथ्स हाउस एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर एट्सेट्रा आते हैं इस कैटेगरी में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की यानी कि कलेक्टिव राइट्स की। तो इस कैटेगरी में बताया गया इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ सच यूनिट्स ग्रुप्स और कम्युनिटीज एंड स्टेट्स। Therefore, international law not only recognize inalienable rights of individuals, but also recognize certain collective rights. दोस्तों ये कैटेगरी बताती है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मेम्बर्स होते हैं कुछ यूनिट्स के, ग्रुप्स के, कम्युनिटीज़ के और स्टेट के। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ जो रिकोगनाइज करता है ह्यूमन राइट्स को वो इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं रहता, वो सर्टेन कलेक्टिव राइट्स की भी बात करता है। और अगर हम कलेक्टिव राइट्स की कैटेगरी की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू पीस एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा आते हैं इस कैटेगरी के एग्जांपल्स में। तो दोस्तों ये हुई काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट यानी कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, या इसको हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन राइट्स के जो सबसे पहले एवोल्यूशन हुआ या इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये ओरिजिन में आया मैग्ना कार्टा के टाइम पर, यानी कि 1215 में। मैग्ना कार्टा आल्सो नाउन एज ग्रेट चार्टर इज़ ए चार्टर ऑफ राइट्स एग्रीड टू बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ऑन 15 June 1215 टू मेक पीस बिटवीन अनपॉपुलर किंग एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल। इट प्रोमिस्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट। यानी कि मैग्ना कार्टा को हम ग्रेट चार्टर के नाम से भी जानते हैं और जिसको चार्टर ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चर्च राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई और पीस बनाने की बात की गई बिटवीन किंग और ग्रुप ऑफ पीपल, और ये आया था 1215 में। मैग्ना कार्टा के बाद हम बात करते हैं पेटिशन ऑफ राइट्स की, जो कि 1628 में आई थी। इसको अगर हम पढ़ते हैं, ए स्टेटमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज़ सेंट बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट टू चार्ल्स वन। इसमें क्या गया, ह्यूमन राइट्स वर इम्प्रूव्ड और इन्हेंस्ड इन द पिटिशन, यानी कि पिटिशन में ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव करने की बात की गई और इन्हेंस करने की बात की गई। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं
तो थर्ड नंबर पे आया द बिल ऑफ राइट्स 1689 में, इज ए लैंडमार्क एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट सेट्स आउट सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स। यानी कि द बिल ऑफ राइट्स जो था वो एक लैंडमार्क एक्ट था क्योंकि इसने सर्टेन बेसिक सिविल राइट्स को सेट आउट किया था। दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो इस बिल में सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स की बात की गई थी, इसमें इकोनॉमिकल या सोशल राइट की बात नहीं की गई थी। इसके बाद चौथे नंबर पर आई द वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776। द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैन, यानी कि इस डिक्लेरेशन में मानव के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया या व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई। द वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स अफर्म्ड दैट ऑल मैन आर बाय नेचर इक्वली फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड हैव सर्टेन इनहेरेंट राइट्स। यानी कि इस डिक्लेरेशन में बताया गया कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मैन हैं, आर बाय नेचर इक्वली, यानी कि वो नेचर से इक्वली हैं, फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं और उनके कुछ इनहेरेंट राइट्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA आया 1787 में, जिसमें समय समय पर अमेंडमेंट हुआ 1789 में, 1865 में, 1869 में और लास्ट में 1919 में। इसमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, उनको स्पेसिफाई किया गया। उसके बाद आता है द फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789। इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी कि इसमें राइट को मैन से हटाकर मैन एंड सिटीजन के नाम से रखा गया। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में आया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट दैट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। UDHR इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट सेट्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। यानी कि UDHR जब आया 1948 में, जिसको जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया गया था, ये पहला एक्ट था जिसने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी और जिसने इनको यूनिवर्सली प्रोटेक्ट यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करने की बात की थी। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल कोविनेंट्स जो कि 1966 में आए थे। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड टू कोविनेंट्स। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दो कोविनेंट को अडॉप्ट किया 16 दिसंबर 1966 में। जो पहला इंटरनेशनल कोविनेंट था वो था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे ICCPR, और दूसरा इंटरनेशनल कोविनेंट था वो था इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट पे ICESCR। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स और UN चार्टर या फिर यूनाइटेड नेशन के बारे में। तब तक हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, हमारी वीडियोस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।